हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है रोहित शर्मा के स्केच के ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने स्केच की आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में स्केच को मैं कंटिन्यू करूंगा और इसमें शेडिंग करूंगा, आपको बताऊंगा कहाँ पे कौन सी पेंसिल्स यूज करनी है। ये रेफरेंस फोटो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फोटो को भी डाउनलोड कर लेना। अब इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 4B पेंसिल का यूज करके आईज में शेडिंग करने वाला हूँ। अब मैं आईब्रो ड्रॉ करूंगा 4B पेंसिल से ही। अब मैं यूज़ करूँगा 2B पेंसिल, इससे थोड़ी लाइट शेडिंग करने के लिए। अब मैं बनाऊंगा नॉस्ट्रिल्स और उसके लिए मैं यूज करूंगा 4B पेंसिल। अभी भी 4B पेंसिल से ही मैं कंटिन्यू करके अब मूछें बनाऊंगा।
अब बियर्ड बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 6B पेंसिल। अब मैं नोज में शेडिंग करने लगा हूँ, तो पहले 2H पेंसिल यूज करके लाइट शेडिंग करूंगा। अब मैं HB पेंसिल का यूज करके नोज की प्रॉपर शेप बनाऊंगा। इरेजर से मैं शेडिंग को थोड़ा सा लाइट कर दूंगा जहां पे हाईलाइट सही होंगी थोड़ी सी। अब मैं 2H पेंसिल का यूज करके फेस में एक बेस लेयर शेड कर दूंगा लाइट लाइट। अब इसको मैं करूंगा ब्लेंड। अब मैं HB पेंसिल से आईज के अराउंड शेडिंग करूंगा। अब फेस पे भी थोड़ी थोड़ी शेडिंग HB पेंसिल से करूंगा। अब हम ड्रॉ करेंगे लिप्स, तो पहले मैं 4B पेंसिल यूज करूंगा बीच में जो लाइन बनानी है डार्क वाली उसके लिए।
अब मैं यूज करूंगा एचपी पेंसिल शेडिंग करने के लिए। अब मैं ड्रॉ करूंगा हेयर और उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ 6B पेंसिल। थोड़ा थोड़ा शेड कर दूंगा, मैंने थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नीचे तक अगर आपने बनानी होगी तो खुद से थोड़ा एक्सटेंड कर लेना इसको। तो कॉलर्स में मैं शेड करूंगा 6P पेंसिल से। और यहां पे मैं शेड करूंगा एचपी पेंसिल से। सो गाइज, ये स्केच भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में मुझे बताना आपको कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसी तरह के और ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहेंगे। कहीं पे अगर पोस्ट करोगे ये स्केच बना के तो मुझे मैंशन कर देना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं देख सकूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।